हेलो एवरीबॉडी, आई एम पिका फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं ये 2020 का बायो का सेट वन तो इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे जो ईयर 2023 के बोर्ड्स में नहीं आने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ So starting with our question number one. So question number one says, Meselson and Stall carried out centrifugation in CS Cl2 density gradient to separate. So Meselson and Stall के experiment हमने previous years में भी देखा था. Basically in इस topic के ऊपर already questions आए हुए थे. 2019 में भी I think हमने दो बार इस question को solve किया था क्योंकि दो अलग-अलग तरीके से इस question को पूछा गया था. तो so, अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया था सीजियम क्लोराइड को लेकर तो उसमें वो क्या सेपरेट करना चाहते थे क्या वो डीएनए को आरएनए से सेपरेट करना चाहते थे क्या वो डीएनए को प्रोटीन से सेपरेट करना चाहते थे क्या नॉर्मल डीएनए को एन फिफ्टीन वाले डीएनए से सेपरेट करना चाहते थे या नॉर्मल डीएनए को टी आर एन ए से सेपरेट करना चाहते थे तो उनका जो अगर आपको याद हो तो उन्होंने दो मीडियम में ग्रो किया था किस 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 में एक एन फोर्टीन में एक एन फिफ्टीन में सो दिस वॉज़ हैवी आइसोटोप राइट सो दिस वॉज़ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जहाँ पर ग्रो किया था ठीक है मतलब एक मीडियम ये यूज किया था और एक मीडियम ये यूज किया था कुछ सेल्स को यहाँ ग्रो किया था और फिर उनको शिफ्ट कर दिया था एन फोर्टीन वाले मीडियम में तो वो सेपरेट आउट करना चाहते थे एन फिफ्टीन वाले डीएनए को नॉर्मल डीएनए से सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी नाउ द क्वेश्चन नंबर टू सो क्वेश्चन नंबर टू सेल्फ पॉलिनेशन इज फुल्ली इंश्योर्ड इफ तो सेल्फ पॉलिनेशन फुल्ली इंश्योर्ड इनमें से किस केस में है जब फ्लावर बाइसेक्शुअल है तो एक तरह से तो वी कैन से यस, राइट दूसरा द स्टाइल इज लॉन्गर देन फिलामेंट सो नॉट एग्जैक्टली फ्लावर इज क्लिस्टोग सो सी फॉर क्लिस्टो एंड सी फॉर क्लोज विच मीन्स द फ्लावर इज क्लोज जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं फ्लावर के वो एक क्लोज कंपार्टमेंट में है राइट right? तो

तो जो जू स्पोर्ट्स है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें से किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में करते हैं फर्स्ट इज क्लेमाइडोमनास स्पाइरोगायरा ईस्ट एंड राइजोप तो अगर आपको याद हो तो क्लेमाइडोमनास में ही हमने जू स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था राइट सो जू क्लेमाइडोमनास इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री माइक्रो माइक्रोपोपेशन कैन बी अचीव्ड बाय तो माइक्रो माइक्रोप्रोपगेशन कैसे हो सकती है सबसे पहले है सेल्फ पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन और माइक्रोप्रोपगेशन में कोई लिंक नहीं है ठीक है सो दिस इज रॉन्ग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट हम यहां पर क्योंकि पॉलिनेशन नहीं करा रहे हैं बट इट के नॉट बी मतलब द स्टेटमेंट इज नॉट विल नॉट बी कम्पलीट विद इफ वी सब्सटीट्यूट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एट अ ब्लैक स्पेस राइट देन टिश्यू कल्चर तो ये yes, जो माइक्रो प्रोपेगेशन है इसका एक हम सिनोनिम भी एक तरह से बोल सकते हैं कि टिश्यू कल्चर होता है जहाँ पर हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट्स को प्लांटलेट्स को ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उनको लेबॉरेटरी कंडीशंस में ग्रो करते हैं और उसके बाद उनको नेचुरल इन वीवो कंडीशंस में उनको ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं सो so,

am मतलब किचन में तो एटलीस्ट हम यूज नहीं करते हैं ईस्ट फिर भी एक करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोस्पोरा और e. तो माइक्रोस्पोराबोरेटरी में यूज होते हैं राइजोपस और लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस तो Lactobacillus तो होता है लेकिन राइजोपस नहीं होता है सो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर सो क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट द मेन बैरियर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी तो वो मेन बैरियर कौन सा है वो मेन बैरियर जो कि माइक्रोब्स की एंट्री नहीं होने देता है इन टू द बॉडी तो वो कौन है तो क्या वो हैं हैं तो 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 नहीं तो हमारी body के अंदर होती तो barrier कहां पर होगा barrier तो बाहर ही देखने को मिलेगा राइट? तो answer तो आपको क्लियर हो गया होगा कि answer क्या है तो मोनोसाइडो मोनोसाइट्स uh, ये सब हमारे ब्लड में है तो ये भी नहीं जो मेन बैरियर है जो कि माइक्रोब्स की एंट्री नहीं होने देता है so that is skin. राइट सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सो क्वेश्चन नंबर 5 निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू होस्ट प्लांट यूजिंग अ वैक्टर तो जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हैं वो जब इंट्रोड्यूस होते हैं इन टू टबेको होस्ट प्लांट तो कौन सा वैक्टर हम यूज करते हैं तो याद करो हमने इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मतलब जितने भी अभी तक हमने सेवेंटीन uh, से लेके नाइनटीन तक पेपर भी डिस्कस किए हैं उन सभी में हमने कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया है और वो कौन सा वैक्टर uh, है जो हम यूज करते हैं सो दैट इज द एग्रो बेक्टीरियम तो एग्रो बेक्टीरियम इज द वेक्टर दैट कैन बी यूज ओवर हियर नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज गिविंग बिलो इज वन स्ट्रैंड ऑफ डी सेगमेंट तो ये एक स्ट्रैंड है डी सेगमेंट का तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा यह

पूरा का पूरा लिखते जाना है और इसी से हमें क्या क्या मिलेगा इसी से हमें अपना आंसर मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का बी पार्ट सेज राइट द पॉसिबल स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए मॉलिक्यूल तो अब अगर हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसक्राइब कर देते हैं ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन राइट तो अगर हम इसको ट्रांसक्राइब कर देते हैं तो हमें पॉसिबल आर एन ए मिलेगा तो उसमें बहुत ही सिंपल है जहां पर भी हम ए लिख रहे हैं ना वहां पर ए ही रहेगा लेकिन जहां पर हम टी लिख रहे हैं ना टी की जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा टी की जगह हो जाएगा यू सब्सटीट्यूट और जी और सी जो है वो एज इट इज़ रहेंगे ए जी और सी एज इट इज़ रहेंगे बस थाइमीन की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा यूरेसल आ जाएगा राइट बिकॉज इन केस ऑफ आर एन एमीन इज नॉट प्रेजेंट बट इन प्लेस ऑफ थाईमीन देयर इज यूरेसल प्रेजेंट सो बेसिकली ए विल पेयर विद यू करेक्ट सो so, वही हमने अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री जो एक ट्रांसक्राइब्ड आर एन ए स्टैंड है वो हमने यहाँ पर लिखा है सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवन सो क्वेश्चन नंबर सेवन इज विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई कॉन्ट्रीब्यूट टू लोकोमोशन ठीक है एक विंग्स हैं बर्ड्स के और विंग्स हैं बटरफ्लाई के वो क्या करते हैं दोनों का काम क्या है उनको उड़ाना उन बेसिकली उनकी लोकोमोशन में हेल्प करना तो द टाइप ऑफ एवोल्यूशन सच ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ किस तरह का एवोल्यूशन जो है हमें इन ऑर्गन से देखने को मिलता है सो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई वो एनो एनाटोमिकली सिमिलर नहीं है ठीक है इनकी अनैटमी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है लेकिन एक तरह से ये आके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सो दे इट मीन्स दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स ठीक है तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमेशा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं मतलब चार अलग अलग तरह के एनाटमिकली अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं फॉर एग्जाम्पल राइट तो ये सब जो है फाइनली एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सो दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट राइट सो दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन सो वी कॉल इट एज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन सो दिस हैज रिजल्टड इन द सलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स दैट इज विंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गैनिजम्स मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे अनाटोमिकली लेकिन एक ही तरह के फंक्शन में ये आके मर्ज हुए हैं सो दैट इज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ना द क्वेश्चन नंबर एट सो क्वेश्चन नंबर इफ इट इज ऑब्जर्व दैट द चासेज ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मीजल इन हिज और हर लाइफ टाइम आर लो तो अगर एक इंसान है जिसको मीजल्स हो चुका है चाइल्डहुड में ठीक है सो लेट एस रीड द क्वेश्चन अगेन

एक बच्चा है जिसको या एक इंसान है जिसको ऑलरेडी मीजल्स uh, हो चुका है मतलब बचपन में ही हो गया था अब उसके चांसेस मीजल्स uh, होने के उसको जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो जस्ट रिकॉल द प्रॉपर्टी ऑफ़ द इम्यून सिस्टम दैट इज़ मेमरी तो अगर एक बार किसी पैथोजन से हमारी जो बॉडी है वो एक्सपोज हो जाती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और दूसरा वो उस पैथोजन के एक्सपोजर को याद रख लेती है अब सब्सिक्वेंटली कभी भी अगर हमारी बॉडी उस पैथोजन से फिर से इनकाउंटर होती है तो इमिडिएटली एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिससे हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन से या उस पर्टिकुलर पैथोजन uh, से के अगेंस्ट लड़ पाती है और अंदर ही अंदर वो पैथोजन जो है वो ख़त्म हो जाता है और कोई भी uh, जैसे मीजल्स की अगर हम बात करें तो मीज़ल्स नहीं होगा वो पैथोजन एंटीबॉडीज जो हैं वो वहीं पर ख़त्म कर देंगी राइट सो so,

एंड द लास्ट वन इज़ रिलैक्सिंग ठीक है तो ये तीन हार्मोन्स हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंसी के टाइम पर बनाती है मतलब वुमेन की बॉडी नाव वट हैपन्स टू द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी के टाइम पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को क्या होता है सो दे इंक्रीज ये जो लेवल होता है ना दोनों हॉर्मोन्स का ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है प्रेग्नेंसी के टाइम पर Now the question number 10 so question number 10 says that a student in on a field trip Suddenly felt breathlessness and started to sneeze very badly. Name the response and explain what is uh, what it is due to. तो अगर आप recall करो तो 2019 थाउजेंड नाइनटीन में भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जहाँ पर uh, ऐसा ही कोई hill station पर बच्चे जाते हैं और वहाँ पर कुछ बच्चों को कुछ एलर्जी uh, हो जाती है राइट तो उनके सिम्टम्स पूछे थे तो यहाँ पूछा है कि स्नीजिंग uh, हो रही है उनको तो ब्रेथलेसनेस है स्नीजिंग है तो क्या हो सकता है सो so बेसिकली उनको हुई है एलर्जी अब ये एलर्जी किस वजह से हो सकती है कुछ एलर्जेंस की वजह से जैसे कि डस्ट हो गए पॉलेंस हो गए तो ये क्या करते हैं जब हम इनको इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी रिलीज करती है कुछ केमिकल्स दैट इज हिस्टेमिंस एंड सेरेटमिन फ्रॉम द मास्ट सेल ठीक है सो इट इज दीज आर ड्यू टू द केमिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम आर मास्ट सेल्स सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सो क्वेश्चन नंबर

राइट right? तो जो जीनस है दैट इज न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस ठीक है सो न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस इज द जीनस ऑफ द बेक्यूलोवायरस व्हिच एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पैथोजन सो क्यों है ये इतना अच्छा हमारे लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट सबसे पहले ये जो एक्टिविटी है ना इसकी ये काफी वाइड रेंज की एक्टिविटी है ये बहुत इट एक्ट्स अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज़ स्पेसिफिक पैथोजें ठीक है दूसरा है कि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ना प्लांट्स पे ना एनिमल्स पे ना बर्ड्स पे ना फिशिज़ पे तो ये किसी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती है देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ठीक है तो जो आई है दैट इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए ये जो वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये बनाती हैं इस वायरस को इस बायो कंट्रोल एजेंट को एक बहुत ही अच्छा कर, बायो कंट्रोल एजेंट स्पाइट ऑफ बीइंग अ पैथोजन नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑफ इन बायोलॉ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेसिकली जो वेस्ट वाटर की सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है ना जो सेकेंडरी स्टेज होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स ठीक है microbes, तो हमें इस बात को जस्टिफाई करना है तो जस्ट रिकॉल 19 में भी हमने सेम ही किया था सेम ही क्वेश्चन आया था सो द क्वेश्चन इज जब एक बार प्राइमरी इफ्लुएंट मतलब कि एक बार हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दी जब हमने बड़े बड़े से लॉग्स हैं प्लास्टिक्स हैं प्लास्टिक बैग्स हैं बड़ी बड़ी चीज़ें पहले तो हम वेस्ट वाटर से रिमूव कर देते हैं उसके बाद जो एक पानी बचता है गंदा पानी जिसको हम पास ऑन कर देते हैं इन टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन टू द सेकेंडरी चेम्बर्स सो दैट इज़ द प्राइमरी इफ्लुएंट राइट सो इट इज़ पास थ्रू द लार्ज एरेशन टैंक्स वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड वहाँ पर ही कॉन्सटेंटली एजिटेट किया जाता है हिलाया जाता है है उसको और वहां पर खूब सारी एयर को पंप किया जाता है तो वहां पर जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और वो बना देते हैं फ्लॉक्स तो फ्लॉक्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था सो दे आर द मास ऑफ बैक्टीरिया अलोंग फंगल फिलामेंट्स सो दीज टू थिंग्स टुगेदर मेक फ्लॉक्स राइट नाउ वाइल्ड ग्रोइंग ये जो माइक्रोब्स है ना दे कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये बहुत ही मेजर पार्ट जो है वो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का और जो हमारा वेस्ट वाटर है उसमें से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको कर देते हैं कम जब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हो जाएगी कम नाव द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बी ओ डी इज रिड्यूस्ड अब हम इस पानी को तब तक ट्रीट करेंगे जब तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम नहीं हो जाती है नाओ वांस बी ओडी ऑफ द सीवेज इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द इन्फ्लुंट इज देन पास इन टू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट अब एक बार हमने बी ओ डी को रिड्यूस कर दिया अब बी ओ डी को रिड्यूस करने के बाद क्या करेंगे हम इसको एक सेटलिंग टैंक में भेजेंगे तो ऊपर ऊपर क्या रह जाएगा वो एक तरह से एक पानी रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा नीचे ये सारे जो फ्लॉक्स हैं बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं ये सेटल हो जाएंगे अब क्या करेंगे हम अब ये जो सेटल्ड पार्ट है ना इसको पहले तो हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज अब क्या करेंगे हम अब हम छोटा सा पार्ट जो है वो इस एक्टिवेटेड स्लज से लेंगे और उसको अपने एरेशन टैंक में जहां पर हमने प्राइमरी फ्लू को सबसे पहले डाला था उसमें वापस डाल देंगे नाउ टू सर्व एज एन इनोक्यूलम तो ये एक इनोक्यूलम की तरह एक स्टार्टर की तरह जैसे दही बनाते हैं तो दूध में एक चम्मच दही डालते हैं तो वो क्या करता है वो एक्ट करता है एज एन इनोक्युलम या एज ए स्टार्टर राइट सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज पंपड इन टू द लार्ज टैंक कॉल्ड एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर जहाँ पर एनरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को और फंजाए को स्लज में ठीक है तो बचे हुए एनोरॉबिक बैक्टीरिया को फनजाए को एनोरॉबिक डाइजेस्टर में जाके वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और यहाँ से निकलती है खूब सारी गैस दैट इज अ बायोगैस जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लमेबल राइट सो दिस इज हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट और हम वेस्ट वाटर

राइट right? तो अब क्या करेंगे हम हम सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम तो जस्ट रिकॉल 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें एक एडिशनल पार्ट ये था कि आपको वहां पर लेबल करके आपको जो मेजर लेयर्स हैं उनके फंक्शंस लिखने थे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हम सेम ही डायग्राम बनाएंगे पहले तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे इसमें आप कनेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस एंडोथीशियम्स पोरोजीनस टिश्यू टेपिटम और मिडल लेयर्स को कर दोगे मार्क उसके बाद आप इसी का एक एनलास्ड व्यू बनाओगे जहां पर सबसे बाहर है एपिडर्मिस फिर है एंडोथीशियम फिर अंदर आती है मिडल लेयर मिडल लेयर के बाद आती है ये वाली लेयर विच इज़ द टेपिटम राइट और टेपिटम के अंदर जो लेयर आती है उसमें होते हैं सेल्स जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि पॉलिन ग्रेन्स बनाते हैं ठीक है सो दिस दिस इज टोटली द कंप्लीट मतलब ये जो दोनों डायग्राम्स है ना दिस विल बी द कंप्लीट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन नंबर नंबर 14 so 14 सो क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट फ्लावर्स तो बड़ा ही सिंपल सा है बहुत ही सिंपल सा आंसर है जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं विंड क्या है विंड एक एबायोटिक फैक्टर है ठीक है आप इसको ऐसे ध्यान रखना तो आप खुद से बना पाओगे अपने डिफरेंसेस विंड एक एबायोटिक फैक्टर है मतलब कोई सुंदर है कोई नहीं है कोई कैसा है कोई वैसा है दैट दैट डजेंट मैटर राइट वहीं पर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे इफ़ यू यू लाइक इफ़ यू लुक एट द फ्लावर्स राइट तो आप ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो उन फ्लावर्स की तरफ जो बड़े से दिखते हैं जो सुंदर से दिखते हैं जो कलरफुल होते हैं फ्रेगनेंटेड होते हैं ब्राइट होते हैं सो सेम इज़ द केस विद द इंसेक्ट दे आर द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड दे कैन दे कैन एक्चुअली लुक एट द फ्लावर्स ठीक है तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना उनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं पहली बात कि वो बहुत हल्के होते हैं वो चाहते हैं कि हवा आए और पॉलिन ग्रेन उड़ के चला जाए तो दे आर लाइट एंड दे आर नॉन स्टिकी अगर वो स्टिकी होंगे तो वो वहीं पर चिपके रहेंगे राइट उनको नॉन स्टिकी होना पड़ता है और उनको लाइट होना पड़ता है ताकि वो विंड के साथ उड़ जाए तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो पॉलिन ग्रीन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं ऐसे फ्लावर्स जिनके पॉलिन ग्रीन्स स्टिकी होते हैं स्टिकी होंगे तभी तो इंसेक्ट की बॉडी के साथ चिपकेंगे राइट और तभी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होंगे करेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को जाएंगे देन इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो स्टेमन है ना वो इट इज़ वेल एक्सपोज एंड उसके जो स्टिग्मा है वो बहुत ही फेदरी होता है मतलब कि अगर मेरा ये एक फ्लावर है तो ये जो स्टेम्स है ना दे आर यूजली आउट ऑफ द फ्लावर ठीक है तो हवा आएगी इनको उड़ा के ले जाएगी और दूसरी तरफ जो हमारा स्टिग्मा होगा ठीक है स्टिग्मा जो होगा वो बहुत ही फेदरी होगा मतलब इधर उधर से भी कैच करने की क्षमता रखता है कि पॉलिन ग्रेन्स को हवा से वो कैच कर पाएगा वहीं पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में दे हैव जनरली फ्लोरल रिवॉर्ड्स इन कोई भी अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छे से पढ़ना है ये जो टेस्ट है ये आपको देना है अगर आप दोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा मतलब अगर आप बोर्ड्स का बोर्ड्स दे रहे हो से तो मैं बोलूँगा कि बड़े अच्छे नंबर लेकर आना क्योंकि इस यही आपको हेल्प करेगा एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए सो वॉट इज दैट दैट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू सो द सेम इज़ द केस विद द इंसेक्ट्स ठीक है तो उनको भी एक रिवॉर्ड चाहिए तो उनका जो रिवॉर्ड है वो क्या है दैट इज़ द नेक्टर राइट right? तो इनको जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स देता है देते हैं फ्लावर्स और दूसरा ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही फ्रेग्रेंटेड होते हैं ये बहुत ही दे आर लार्ज फ्लावर्स एंड दे आर ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स ठीक है लार्ज एंड आई विल राइट ओवर हेयर इज ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स ठीक है तो वहीं पर जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे से होते हैं छोटी सी जगह पर पैक्ड होते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ठीक है तो आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू यू

का क्रॉस हम इधर कराएंगे और दूसरा है स्नैप ड्रैगन फ्लावर ठीक है तो यहां पर पी प्लांट है स्नैप ड्रैगन फ्लावर ये बोला है कि एफ वन प्रोजेनी जो है ना पी प्लांट के उसमें सारे के सारे वायलेट फ्लावर है तो हमें पता है कि अगर वायलेट फ्लावर हैं पी प्लांट में तो या तो उस पर्टिकुलर फ्लावर का जो जीनो है वो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू होगा या फिर वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा ठीक है वहीं पर अगर हम हम स्नैप ड्रैगन फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये सारे ही रेड हैं तो हमें पता है कि जो स्नैप ड्रैगन फ्लावर है ना वो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है मतलब कि जब हम रेड को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराते हैं तो हमें रेड या वाइट नहीं हमें पिंक फ्लावर्स देखने को मिलते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो फ्लावर है यहाँ पर जो जीनोटाइप है ना वो कैपिटल आर कैपिटल हार ही होने वाला है ठीक है तो अब हमें इन्हीं को एफ ये है हमारी एफ़ वन जनरेशन्स अब हमें इन्हीं की सेल्फिंग करानी है और हमें एफ़ टू जनरेशन बतानी है फिर हमें फिनोटाइप जीनोटाइप और उनके इनहेरिटेंस पैटर्न का कंपेरिज़न करना है तो मान लो अगर पी प्लांट में जो दोनों हमारे इंडिविजुअल्स हैं ठीक है आ, दोनों जो हमारे गैमीट्स हैं बेसिकली जो अलीज़ हैं वो कैपिटल W कैपिटल W हैं ठीक है तो जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू ठीक है पूरा का पूरा कैपिटल डब्ल्यू आएगा तो बेसिकली सारे के सारे जो है यहाँ पर वो हो जाएंगे वायलेट फ्लावर्स ठीक है वहीं पर अगर हमारा जीनो टाइप कुछ ऐसा है कि एक कैपिटल डब्ल्यू है दूसरा स्मॉल डब्ल्यू है सो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू तो हमारा जो जीनो टाइप है जो हमारा पिनट स्क्वायर है वो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है तो इसमें तीन हमारे क्या है तीन हमारे वायलेट फ्लावर्स हैं और एक हमारा वाइट फ्लावर है ठीक है तो ऐसा हमें देखने को मिला तो यहाँ पर जो रेशो है दैट इज हंड्रेड परसेंट जो है हंड्रेड परसेंट फिनो जो है हमारा वो वायलेट है यहाँ पर क्या है यहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वो वायलेट है और ट्वेंटी फाइव परसेंट जो फ्लावर्स हैं वो वाइट है क्लियर वहीं पर अगर हम स्नैप ड्रैगन की बात करें तो इसमें तो रेड ही फ्लावर्स हैं तो मतलब जो इसका अलील्स का कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल आर कैपिटल आर ही होने वाला है और कोई अलील हो ही नहीं सकता है राइट तो यहाँ पर सारे के सारे मतलब 100 परसेंट हमें रेड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे राइट तो इससे हमें ये पता चलता है कि पी प्लांट जो है वो एक कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है ठीक है कि अगर कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट है तो वो है तो अगर वो वो पर्टिकुलर अलील प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट ट्रेड ही शो करेगा वहीं पर अगर हम स्नैपड्रैगन की बात करते हैं तो उसमें जो दो अलील्स हैं वो ना एक अलील का जो एक्सप्रेशन है वो आएगा ना दूसरे का आएगा लेकिन मिला के कुछ तीसरा ही एक्सप्रेशन आएगा दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस राइट सो दिस शोज कंप्लीट डोमिनेंस एंड दिस शोज इन कंप्लीट डोमिनस राइट फिनो टाइप्स की बात करें तो यहां पर जो फीनो टाइप है सो दैट इज हंड्रेड परसेंट दैट इज ऑल ऑफ देम आर वायलट बट इन सेकेंड केस सेवेंटी फाइव परसेंट आर वायल्ट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज थ्री इज टू वन की रेशो है फीनो टाइप में और अगर हम जीनो टाइप की बात करें सो दैट इज वन इज टू टू इज टू वन तो एक जो है वो होमोजाइगस वायलट है एक होमोजाइगस वाइट है और दो जो है वो हैट्रोजाइगस वायलट है तो जो जीनो टाइप है दैट इज़ वन इज टू टू इज़ टू वन वहीं पर अगर हम स्नैपड्रैगन की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट डोमिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है यहाँ पर जो रेशो है ठीक है वो क्या है दैट इज़ इक्वल सारे के सारे रेड हैं सारे के सारे अलील्स भी सेम है क्लियर सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन now the question number 16 so question number 16 says explain the changes that milk undergoes when suitable starter or inoculum is added to it how does the end product formed prove to be beneficial to human uh, health right so क्या चेंजेस आते हैं मिल्क में जब हम उसमें एक सूटेबल इनोक्युलम या स्टार्टर डालते हैं और जो एंड प्रोडक्ट आता है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है तो देखो लेक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है राइट right? सो so, जो हमारा इनोक्युलम है या स्टार्टर है उसमें होता है लेक्टोबैसिलस तो जब हम इस इनोकुलम को डालते हैं दूध में तो वहाँ पर एक सूटेबल टेम्परेचर पे ये ग्रो करने लग जाता है मिल्क के अंदर और ये जो एसिड होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ठीक है कौन सा एसिड लैक्टिक एसिड और फिर ये कोगुलेशन शुरू कर देता है और पार्शली जो मिल्क प्रोटीन केसिन है उसको कर देता है डाइजेस्ट तो उससे धीरे धीरे जो मिल्क है वो पूरा का पूरा कोगलेट हो जाता है और वो बन जाता है कर्ड अब जब ये कर्ड बनता है तो कर्ड जो है वो मिल्क से न्यूट्रिशनली ज़्यादा हेल्दी है क्यों क्योंकि एक तो इसमें जो वाइटामिन बी ट्वेल्व है वो ज़्यादा है मतलब कंटेंट ज्यादा है और दूसरा इट आल्सो चेक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आर गट ये हमारी गट में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है राइट सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 एलियन स्पीशीज इन्वेजन हैज बीन अ थ्रेड टू बायोडायवर्सिटी सो जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल लिस्ट एनी अदर थ्री कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ लॉस तो हमें ये बताना है कि अगर हम किसी भी एक एलियन स्पीशीज़ या किसी भी एक एग्जॉटिक स्पीशीज को ऐड कर देते हैं किसी की बायोडाइवर्सिटी में तो उससे क्या थ्रेट हो सकता है ठीक है सो जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल एग्जाम्पल और हमें बताना है कोई भी तीन वो मेजर कॉजेज जिससे कि एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो अगर हम इंटेंशनली या अन इंटेंशनली किसी एग्जॉटिक स्पीशीज़ को या किसी एलियन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं Uh, कहीं पर मतलब एक नई बायोडाइवर्सिटी में तो उससे हमारी जो स्पीशीज़ है जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ है वो इन्वेजिव हो सकती है और उससे हमारी उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो सकती है तो उसका एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है दैट वॉज द नाइल पर्च सो दिस वॉज़ इंट्रोड्यूस्ड इन टू द लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में और वहाँ पर उस लेक में रहने वाली अराउंड टू हंड्रेड स्पीशीज़ मतलब मोर देन टू हंड्रेड स्पीशीज वर देयर और वो जो दो सौ स्पीशीज़ का जो यूनिक असेंबलेज था ना वो ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दिस एग्जॉटिक स्पीशीज़ दूसरा इज इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ एफ्रीकन कैट फिश कैलेरियास ग्रैपिनस फॉर एक्वाकल्चर इज अ थ्रेट टू इंडिजीनियस कैट फिश टू द रिवर तो जो इीगल इंट्रोडक्शन होता है ना एफ्रिकन कैट फिश का एक्वाकल्चर में ये बेसिकली पोज करता है एक थ्रेट उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रिवर की जो एक इंडिजीनियस कैट फिश है उसको सो दीज आर दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एलियन स्पीशीज इनवेशन अब देखते हैं वो तीन लॉस के कॉजेज जो बायो मतलब वो तीन कॉजेज बायोडाइवर्सिटी का लॉस कराते हैं सबसे पहला है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट का लॉस या फ्रेगमेंटेशन मतलब कि अगर एक हैबिटेट है आप इस हैबिटेट को ही ख़त्म कर देते हो या इस हैबिटेट को आप फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो तो इससे भी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होगी क्योंकि कुछ स्पीशीज़ इधर रह जाएंगी कुछ इधर कुछ इधर लेकिन हर एक स्पीशीज़ जो है हमने ये पढ़ा है कि हर एक स्पीशीज़ इस एनवायरमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं अगर वो इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो स्पीशीज भी खत्म हो जाएंगी। Then, over -exploitation. अब ये एरिया था, यहां से हमें कुछ तो आ, मतलब कुछ चीज मिलने लगी एंड नाउ वी ओवर एक्सप्लॉर्टेट अब जैसे ट्रीज हैं ट्रीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं ठीक है ट्रीज फर्नीचर बनाने में घरों को बनाने में पेपर के लिए हर चीज में ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट तो अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का उस पर्टिकुलर चीज़ का तो उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा द नेक्स्ट वन इज को एक्सटेंक्शन तो अगर दो स्पीशीज़ हैं जो एक साथ में रहती हैं ठीक है अगर एक स्पीशीज़ खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे दूसरी स्पीशीज़ भी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहती थी एक दूसरे को बेनिफिट म्यूचुअलिस्टिक एक uh, एक म्यूचुअलिस्ट तरीके से रहती थी मतलब कि म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करती थी अगर एक खत्म हो जाएगी तो सीधी सी बात है दूसरी भी खत्म हो जाएगी नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सो एक्सप्लेन थ्री स्टेप्स कैरिड आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए यूजिंग एनजाइम इको आर आई तो तीन स्टेप्स बताने हैं जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बनाते हैं यूजिंग एन एनजाइम इको आर आई तो इको आर आई के लिए एक पर्टिक हर एक रिस्ट्रिक्शन एनजाइम जो होता है ना उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ये जो सीक्वेंस होता है ना ये सीक्वेंस पहले तो ये इको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पूरे डीएनए पे ऐसे ऐसे स्कैनिंग करेगा ठीक है स्कैनिंग करने पर जैसे ही उसको अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा तो वो वहाँ पर उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके एक स्पेसिफिक जगह पे कट करेगा जैसे इको आर आई का सीक्वेंस है जी ए ए टी टी सी ठीक है तो यहाँ पर ये जो इको आर आई है ये जी और ए के बीच में कट करेगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा ना उस पर भी उसको सेम ही सीक्वेंस मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर भी ये जी और ए के बीच में कट करेगा और इसी तरह से जो वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए होता है उन दोनों को हम ए के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हमें ऐसे कुछ स्टिकी एंड्स मिल जाते हैं मतलब ये जो दोनों तरफ के एंड्स होंगे ना ये कैसे ये जो फ्री हमारे बेसिस हैं ना ये बेसिस एक दूसरे के साथ अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे ठीक है तो अब जैसे ही हम इन दोनों वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से वहाँ पर लाइगेट कर जाएंगे और हमें एक रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बना देंगे ठीक है तो ये हैं वही तीन मेजर स्टेप्स जो कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हमारी हेल्प करते हैं तो सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म मतलब जिसका आंसर सेम ही होना था इट वॉज आस्ट इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन ऑल्सो नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सो नेम एनी टू नेचुरल क्लोनिंग वैक्टर्स के कोई भी हमें दो नेचुरल क्लोनिंग वैक्टर्स के बारे में बताना है नेम करना है मतलब नाउ गिव रीजन दैट दैट मेक दैम एक्ट एज अ क्लोनिंग वैक्टर तो हमें वो रीजन्स देने हैं जिससे कि ये क्लोनिंग वैक्टर एक्ट कर सकें नाउ राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स द इंजीनियर्ड वैक्टर्स आर मेड टू पजेस तो हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो एक इंजीनियर्ड वैक्टर में होते हैं तो सबसे पहले दो क्लोनिंग वैक्टर्स के नाम बताओ तो प्लाज्मेड और बैक्टीरियो फाजिस जो हैं उनको हम एज अ वैक्टर्स यूज करते हैं ठीक है ये वो नेचुरली अकरिंग वैक्टर्स हैं हमने नहीं बनाए हैं दे आर नेचुरली एक्टिंग वैक्टर्स नाउ दे आर कॉल्ड क्लोनिंग वैक्टर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लीकेट द बैक्टीरियल सेल तो दे हैव एबिलिटी कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जब हम उनको डालेंगे प्लाज्म को या बैक्टीरियो को तो वो अंदर उनका जो जो पर्टिकुलर वेक्टर है ना वो खुद को क्लोन कर पाएगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर तो यहाँ पर यूजुअली जो हम बैक्टीरियल सेल लेते हैं वो इकोलाई e. लेते हैं एंड ऑल्सो इट हैज़ हाई कॉपी नंबर विद इन द बैक्टीरियल सेल तो ये दो रीज़न्स हो गए कि क्यों ये क्लोनिंग uh, वैक्टर की तरह एक्ट करते हैं तो अब जो हमारे इंजीनियर्ड वैक्टर्स होते हैं उनके कोई रेक्टरिस्टिक्स बताने हैं फर्स्ट इज इट इज ईजी टू लिंक ईजी लिंक को हम ईजीली लिंक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैक्टर के साथ दूसरा सिलेक्शन ऑफ फ्रॉम नॉन यूजिंग दूसराबल मार्कर सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करके हम रिकॉम्बिनेट्स को और नॉन रिकॉम्बिनेट्स को या फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ईजिली uh, अलग कर सकते हैं ठीक है तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंड म्यूचुअलिज्म द टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ ईच तो कमेंशियलिज्म और म्यूचुअलिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हमें बताना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच राइट तो कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म क्या है सो कमेंसलिज्म इज बेसिकली द इंटरक्शन वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर इज नॉट अफेक्टेड तो बेसिकली प्लस जीरो टाइप की इंटरेक्शन है जहां पर एक बेनिफिट हो रहा है और दूसरा जो है वो अनफेक्टेड है म्यूचुअलिज्म में एक ऐसी इंटरेक्शन है जहां पर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं

वेल की बैक के ऊपर ग्रो करते हैं तो उनको तो बेनिफिट हो रहा है एक तरह से वो खुद को प्रिडेटर से बचा पा रही हैं लेकिन उससे वेल को कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन वेल को कोई नुकसान भी नहीं है नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म तो म्यूचुअलिज्म में आता है माइक्रोराइजे माइक्रोराइजे क्या है इट इज़ बेसिकली एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाए एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स यहाँ पर फंजाए का काम है उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देना इन द एबजॉर्बशन ऑफ असेंशियल प्लांट्स जो हैं, ठीक है they in turn provide fungi, food to the fungi. तो वो वो क्या देते हैं? वो in turn खाना देते हैं को. क्या क्या करेगा? वो उसको क्या देगा खाना देगा, राइट सो दिस दिस टाइप ऑफ इंटरक्शन इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म क्लियर तो आई होप ये जो कंप्लीट आंसर है आपको हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर ना द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सो क्वेश्चन इज इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी सिक्रिएटेड बाई पैनक्रियाज एज अ प्रो हॉर्मोन और प्रो इंसुलिन ठीक है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी उसको सिक्रिएट करती है नाउ द स्कीमेटिक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन इज गिवेन बिलो the pro दिस प्रो इंसुल नीड्स टू अंडर गो द प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम्स फंक्शनल इन द बॉडी सो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ठीक है तो अगर इस इंसुलिन को हमारी बॉडी के अंदर काम करना है तो भाई इसको फंक्शनल तो होना पड़ेगा तो अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके हमें आंसर्स करने हैं सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टेड द चेंज द प्रो इंसुल अंडर एट द सेम टाइम ऑफ इट्स प्रोसेसिंग बिफोर इट टू बिकम फंक्शनल ठीक है so is, the the it, uh, तो हमने ऐसा एक स्ट्रक्चर देखा ठीक है कुछ ऐसा ही था ठीक है थोड़ा मैंने थोड़ा घुमा के बना दिया है सो so यहाँ पर होती है एक ए चेन यहाँ पर ये यह नीचे वाली होती है बी चेन ये ए है वो बी है और ये बीच में एक सी पेप्टाइड होता है ये जो सी पेप्टाइड होता है ना यही बेसिकली इसको नॉन फंक्शनल बनाता है प्रो इंसुलिन बनाता है इनएक्टिव इंसुलिन बनाता है तो हमें यहाँ पर ए और बी चेन को हम क्या करते हैं आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम सी चेन अब ए और बी चेन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं यूजिंग डाए

फंक्शनल इंसुलिन केमिकली हेल्ड तो दो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इंसुलिन के वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं तो मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच में क्या होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ठीक है सो यूजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स सो दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू Now, the question number 23. So, the question is the cytological observations made in the number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination mechanism. So, honeybee is an interesting example to study the mechanism of sex determination. So, study the schematic cross between the male and the female honeybees given below and answer the questions that follows. Okay? so so study was done, cytological observations done in insects, or just कि बड़े सारे सेक्स डिटर्मिनेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैकेनिजम्स हैं वो डी हुए राइट right? तो हनी बी पे भी एक सेम ही स्टडी हुई ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ मेकेशन तो नीचे एक हमें ग्राफ एक फ्लो चार्ट सा दिया है हमें उसको स्टडी करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस और अपना फ्लो चार्ट नाउ द ए पार्ट सेज आइडेंटिफाई द सेल डिविजन ए एंड बी दैट लेड टू द गैमिट फॉर्मेशन इन मेल एंड फीमेल एंड मेल हनी बीज रिस्पेक्टिवली तो ये देखो ये है हमारा फ्लो चार्ट ये है हमारे पेरेंट्स जहां पर है फीमेल हनी बी है जिसके पास 32 हैं और यह मेल हनी बी ठीक है bee, तो हमें पता है केस ऑफ हनी बीज जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं डिप्लॉयड वहीं पर जो मेल्स होते हैं वो होते हैं ठीक है haploid, तो यहां पर इसमें जब फीमेल हनी में बनते हैं हमारे गैमीट्स बनते हैं तो यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर होती है रिडक्शनल डिवीजन दैट इज ए में जो सेल डिवीजन है दैट इज मेयोसिस राइट वहीं पर बी के केस में क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर माइटोसिस होती है और माइटोसिस से ही यहाँ पर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है अब अगर फीमेल और मेल गैमीट मिल गए तो तो एक फीमेल हनी बी बन जाएगी जिसके पास 32 क्रोमोसोम्स होंगे नहीं तो जो एक गैमीट है अगर वो गैमीट मेल हनी बी में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थीनो जेनेसिस क्या बोलते हैं उसको पार्थीनो जेनेसिस सो सी इज पार्थीनो जेनेसिस सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सो एज

बी जो है बी एक डिक्लाइनिंग पिरामिड है इस इस टाइप के पिरामिड को हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग और सी जो है इट इज अ स्टेबल पिरामिड तो सो बी इज अ डिक्लाइनिंग एज पिरामिड एंड सी इज अ स्टेबल एज पिरामिड राइट सेकेंड पार्ट ऑफ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज राइट द बेसिस ऑन विच अब पिरामिड्स आर प्लॉटेड तो हमें वो बेसिस बताने थे जिसमें ये जो ऊपर दिए गए पिरामिड्स हैं इनको प्लॉट किया गया है तो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल का ह्यूमन पॉपुलेशन में उसको हमने इन पिरामिड्स में इन पिरामिड्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की है मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज तो इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही कंबाइंड हैं ठीक है थीके? कहीं पर भी मेल्स और फीमेल्स का अलग नहीं दिखाया है सो दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

को प्रोसेस किया जाता है तो सबसे पहले है कि जो वाइफ है या फिर डोनर फीमेल है उससे ओवा कलेक्ट किए जाते हैं ओवम कलेक्ट किए जाते हैं दूसरा स्पॉम्स कलेक्ट किए जाते हैं हस्बैंड से या फिर मेल डोनर से राइट अब इन दोनों को कलेक्ट करके इनको कर दिया जाता है फर्टिलाइज इन लेबोरेटरी कंडीशंस दैट इज यहां पर इन विट्रो कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन की जाती है नाउ दाइगॉट एंड द अर्ली एम्ब्रायो जो जायगॉट या अर्ली एम्ब्रायो है जिसमें अप टू एट ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उनको फिलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है मतलब मेल और फीमेल जो है इनको फर्टिलाइज किया इसके बाद जब तक ये एट सेल्ड स्टेज तक पहुँचे इसको डाल दिया जाता है फिलोपियन ट्यूब में अगर ये जो एम्ब्रायो है ये एट ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो जाता है तो इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस में जिसे आई यू टी भी बोलते बोलते हैं दैट इज़ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र जहाँ पर ये डायरेक्टली यूट्रस में जाके क्या कर जाता है ये इम्प्लांट कर जाता है और उसकी फ़र्दर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ आई वी एफ दैट आर Uh, that is used nowadays so that all the couples who don't have children they can actually have their own children okay now the question number 25 so question number 25 says what would you consider g गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र जी आई एफ टी एज एन आई वी एफ गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर तो क्या आप गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र को आप एक आई वी एफ बोलोगे कि नहीं बोलोगे तो मैं तो नहीं बोलूंगी क्योंकि इसमें जो जी आई एफ टी है उसको हम आई वी एफ इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन uh, हो रही है ना वो एक फीमेल की बॉडी में हो रही है दैट इन विवो कंडीशन में दैट इज नेचुरल कंडीशन में हो रही है ठीक है इन विट्रो मतलब हम लेबोरेटरी कंडीशन में ठीक है लैब वाली कंडीशन में हम यहां पर गैमीट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं यहां पर गैमीट्स डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं फीमेल की बॉडी के अंदर सो दिस के नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आई वी एफ टेक्निक क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सो सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी लेबल द प्राइमरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल इन कॉर्पस लेटियम इन इट तो ये 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था एक सेट में तो ये जो क्वेश्चन ये जो डायग्राम है ये वही है जो हमने 2019 में भी डिस्कस किया था तो यहाँ पर हम कुछ ब्लड वेसल्स दिखाएंगे यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स को लेबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताया है कि आपको किन पार्ट्स को लेबल करना है लेकिन ड्रॉ जरूर करना है लेबल आप करो चाहे ना करो तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा एक प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल ग्रो कर जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शरी फॉलिकल जहाँ पर ये एंट्रम कैविटी भी हमें देखने को मिलेगी और यही टर्शनी फॉलिकल जो है वो और ग्रो हो जाएगा इनटू द ग्राफियन फॉलिकल और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा ओवम और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे कॉर्पस लिटियम राइट तो यही डायग्राम है आपको वेल well लेबल्ड और सारे पार्ट्स चाहे आपको मार्क करने के लिए चार ही पार्ट्स बोले हैं लेकिन ड्रॉ आपको सारे पार्ट्स करने हैं i hope the question is clear now the question number 25 says name the gonadotrophins and explain their role in oogenesis and release of ova so gonadotrophins kya hote hai? so lh एंड एफ एस एच न्यूटनाइजिंग हारमोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हारमोन आर द गुनेडोट्रॉफिस और दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं फॉलिक्युलर फ़ेज़ के टाइम ठीक है तो हमने मैं फेजेस पढ़े हैं ठीक है तो उसमें फॉलिकुलर फ़ेज़ के टाइम दोनों जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं और वो फॉलिक्यूल जो फॉलिक्युलर डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करते हैं ठीक है फॉलिकल्स डेवलप होगी तभी तो ओवा जो है वो ओवम जो है वो रिलीज होगा ओवरी से सो so, देर रोल तो जो हमारे गोनेडोट्रॉफिन है एक तो जो सिक्रीशन है एस्ट्रोजन की बाय दे बाय ग्रोइंग फॉलिकल तो ये जो फॉलिकल्स जब ग्रो करती है ना जब गोनेडोट्रॉफिन सिक्रीट होते हैं तो फॉलिकल ग्रो करती है जब फॉलिकल्स ग्रो करती हैं तो वो सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो राइट दूसरा है एल एच सर्ज दैट इज़ ल्यूटनाइजिंग हॉर्मोन जो है उसका जो सिक्रीशन है उसका जो लेवल है वो एकदम बढ़ जाता है सो देर इज़ रैपिड सिक्रीशन ऑफ एल एच ड्यूरिंग मिड साइकिल और फोर्टीनथ डे इंड्यूस द रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ओवा जब ये एल एच सर्ज होता है इन द मिड ऑफ द साइकिल दैट इज ऑन द रफली ऑन द फोर्टींथ डे तो वहां पर इस एल के बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होती है और उससे ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है सो दीज आर द रोल्स ऑफ गडोट्रोफिन इन वेयर इन ऊजेनिस नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डिस्क्राइब द एक्सपेरमेंट कैरिड आउट बाई हर्शे एंड चेज एंड कंक्लूजन दे अराइव एट तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था और कंक्लूजन क्या था तो so, हर्शे और चेज़ ने ऐसे वायरसेज लिए जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियो फाजिस्ट भी बोलते हैं तो उन वो ये प्रूव करना चाहते थे कि डी एन ए जो है वो जेनेटिक मटीरियल है ना कि प्रोटीन्स ठीक है तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया उन्होंने ग्रो किया बैक्टीरियो फाजिज़ को ऑन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव पी थर्टी टू तो उन्होंने दो मीडियम लिए एक पी थर्टी टू रेडियो एक्टिव मीडियम और एक एस थर्टी फाइव रेडियो एक्टिव मीडियम ठीक है तो ये जो पी थर्टी टू से जब उन्होंने इन्फेक्ट कराया है तो यहाँ पर जो वायरस थे उनका डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया क्योंकि डीएनए में भी फास्फोरस होता है दूसरा एस थर्टी फाइव वाले जो मीडिया में जो वायरसेस थे उनका जो प्रोटीन है वो क्या हो गया रेडियो एक्टिव हो गया ठीक है अब ये जो वायरसेस है ना इन दोनों को हम उन्होंने अलाउ किया कि वो जाके आप बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें अब जैसे ही इन बे इन वायरसेस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि सिर्फ़ वो बैक्टीरिया जब इन्होंने इन्फेक्ट किया फिर इनको ब्लेंड किया फिर इनकी सेंट्रीफिकेशन की तो सेंट्रिफिकेशन में इन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया जिनको हमने इन्फेक्ट किया था एस थर्टी फाइव से दैट इज़ रेडियो एक्टिव सल्फर से उनका जो सुपरनेटेंट था ना वो रेडियो एक्टिव था लेकिन बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव थे ही नहीं वहीं पर जिनको पी थर्टी टू से हमने इन्फेक्ट uh, कराया था वो बैक्टीरिया कैसे थे वो बैक्टीरिया जो थे वो uh, उन वो उनका जो सेल था बैक्टीरिया सेल जो था वो रेडियो एक्टिव था लेकिन उनका uh, जो सुपरनेटेंट था वो रेडियो एक्टिव नहीं था ठीक है सो दिस मीन्स की प्रोटीन कोट एंटर नहीं हुआ है इन टू द बैक्टीरिया बट क्या एंटर हुआ है डीएनए एंटर हुआ है सो दिस प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल एंड नॉट द प्रोटीन नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स और पार्ट सो डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड इन कलेक्शन ऑफ वाइट विंग्ड मॉथ्स एंड डार्क विंग्ड मॉथ्स इन इंग्लैंड एंड बिटवीन द ईयर्स नाइनटीन फिफ्टी एंड नाइनटीन ट्वेंटी सो वट वट डू दीज ऑब्जर्वेशन्स लीड टू तो हमें वो ऑब्ज़र्वेशन बतानी है जिसमें इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रलाइजेशन शुरू हुआ तो जो वाइट विंड मॉल्स थे और डार्क विंड मॉल थे उनमें उनमें क्या चेंजेस देखने को मिले हमें फ्रॉम द ईयर एटीन फिफ्टी टू नाइनटीन ट्वेंटी और इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला ठीक है तो जब इंडस्ट्रलाइजेशन नहीं थी तो ये देखा गया था कि इंग्लैंड में वाइट विंग्ड मॉथ्स बहुत ज्यादा थे और जो डार्क विंग्ड मॉथ्स थे ना वो बहुत कम थे ठीक है अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो जो सूट पार्टिकल्स थे डस्ट पार्टिकल्स थे वो आके जो ट्री की ट्रंक्स थी ना उन पे बैठ गए तो पहले तो वहां पर लाइकन्स ग्रो होते थे जो जब लाइक ग्रो होते थे तो जो वाइट विंग्ड मॉथ्स थे ना वो आराम से उन ट्री की ट्रंक के साथ चिपक जाते थे और प्रिडेटर्स उनको नहीं देख पाते थे ठीक है वो एस्केप हो जाते थे बचा लेते थे वहीं पर जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और जब प्री की ट्रंक्स डार्क होना शुरू हुई तो वहाँ पर ये जो सूट पार्टिकल्स थे और डस्ट पार्टिकल्स थे इनकी वजह से जब डार्क हो गई ट्री की ट्रंक तो अब जैसे ही वाइट कलर वाला मौत जो है वो उधर जाके खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बहुत ही प्रोमिनेंटली प्रीडेटर्स को दिखाई देने लग गया तो अब जब वो प्रिडेटर्स को दिखाई दिया तो ऑब्वियसली प्रीडेटर ने उसको अपना प्रे बना लिया और उसको खा गए तो इससे क्या हुआ इससे जो वाइट विंग्ड मॉथ्स थे ना उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई और जो डार्क विंग्ड मौत थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर हुई नेचुरल सिलेक्शन मतलब वो इंडिविजुअल्स जो खुद को उस चेंजिंग कंडीशन में सरवाइव करा पाए क्योंकि यहाँ पर वाइट वाले तो नहीं छुपा पाए खुद को लेकिन डार्क वाले तो अब इजीली छुपा पा रहे थे खुद को राइट right? प्रिडेटर से तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल सर्वाइव किए जो खुद को उस कंडीशन में खुद को सर्वाइव करा पाए या छुपा पाए राइट सो दिस लेट टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नैचुरल सिलेक्शन ठीक है तो इससे हमें पता चला कि नेचुरल सिलेक्शन जो है कि वो इंडिविजुअल्स विच फिट इन टू द इन्वायरमेंट दे सर्वाइव एंड रेस्ट ऑल ऑफ दैम डाय नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बी पार्ट सेज हाउ इज द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबाटिक्स बाई ह्यूम फॉर वेरियस परपजेस कंपेरेबल विद द ऑब्जरवेश मेड ऑन मॉथ्स इन द अब क्वेश्चन ठीक है तो <coughs> ये जो हम हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ना ह्यूमंस अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की है इन केस ऑफ मॉन्स तो देखो हम जब किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं ना हम इतना ज़्यादा यूज़ कर देते हैं जैसे हमने इंसेक्टिसाइड्स का किया है पेस्टिसाइड्स का किया है हर्बिसाइड्स का इवन कई बार अपने ऊपर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कि हम उनको ओवर यूज़ कर देते हैं एक्सेसिव यूज़ कर देते हैं जिससे जो हमें बेनिफिट चाहिए होता है वो तो शुरुआत में मिलता है लेकिन फिर वो मिलना ही बंद हो जाता है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर वेरिएंट्स है ना जिन जिनके अगेंस्ट जैसे आ, आ, पेस्ट के अगेंस्ट या कुछ माइक्रोब्स के अगेंस्ट हम ये इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो ही रेजिस्टेंट हो जाती हैं वो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बन जाती हैं अब आप कितना भी सेम हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ कर लो या एंटीबायोटिक यूज़ कर लो उन पर कोई फ़र्क ही नहीं होता है ठीक है तो बेसिकली वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो खुद को रेजिस्टेंट बना पाती हैं और उससे हमें क्या होता है नुकसान होता है तो इस तरह के फिनोमिना को हम बोलते हैं एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है ठीक है तो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 सेवन और पार्ट डिस्क्राइबी बायो मैग्निफिकेशन अकरिंग इन द एक्वेटिक फूड चेन

टॉक्सिन uh, की जो क्वांटिटी है से इट इज़ीरो पॉइंट थ्री पी पी बी ठीक है पर पर पार्ट्स पर बिलियंस राइट अब यहाँ पर जू uh, प्लान्ट में इसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जब ये गई तो ये 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो गई उससे ऊपर जब ये गई तो ये और ज़्यादा बढ़ गई लार्ज फिशेस में जब गई तो ये तो 2 पी हो गई राइट फिर जब ये फिश ईटिंग बर्ड्स तक पहुंची तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गई तो इस तरह एक पॉन्ड में एक पर्टिकुलर टॉक्सिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ट्रॉफिक लेवल्स जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता गया कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती गई नाउ द हाउ इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी हैज़ इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स ठीक है मतलब क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सबसे पहले ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो बर्ड्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको उसको खराब कर देता है दूसरा जो बर्ड्स का एग होता है उसके एग शेल को थिन कर देता है और प्री मेच्योरली ये जो एग है ना ये ब्रेक हो जाता है सो प्री मेच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली लीडिंग टू द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन जब तक ये एग फुली मेच्योर नहीं होगा तब तक इसमें से एक छोटा सा क्यूट सा बर्ड नहीं निकलेगा लेकिन यहाँ पर क्योंकि थिनिंग हो जाती है एग शेल की और दूसरा प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाती है विच इवेंचुअली लीड्स टू डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन तो यहाँ पर की जो population है है वो वो हो जाती जितने भी questions हमने 2020 के सेट वन में किए हैं वो आपको हुए होंगे क्लियर तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सेट टू को डिस्कस करेंगे तो तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्न हा फ्री है, पर बेस्ट है.